আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে আমি যে ভিডিওটা রিয়াকশন দেব সেটা হলো হোয়াই ইজ বাংলাদেশ বাইং ওয়েপন্স ফ্রম পাকিস্তান। আসলে অবাক করার একটা বিষয় যে বাংলাদেশ পাকিস্তানের কাছ থেকে এখন কেন ওয়েপন কিনতেছে। যেহেতু বাংলাদেশে এখনো অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ইনস্টেবিলিটি কাজ করতেছে, তাহলে এই সময় কেন অস্ত্র কিনতেছে বাংলাদেশ? আমিও আসলে ঠিক জানি না যে এখানে আসল কারণটা কি। সো চলুন এই কারণে আমরা একসাথে দেখে আসি প্রশান্ত ধাওয়ান স্যারের এই ভিডিওটা থেকে যে বাংলাদেশ কেন পাকিস্তানের কাছ থেকে অস্ত্র কিনতেছে, তাও বাংলাদেশের এই অর্থনৈতিক সংকটের মুহূর্তে। নমস্কার, আমি গলমি আলু স্টাডি আইকিউ, আমি প্রশান্ত ধাওয়ান, আর এই ভিডিওতে আমরা বাত করতে वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि बांग्लादेश सडनली ह्यूज स्केल पर वेपन्स क्यों इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम पाकिस्तान। यहां पे आप देख पाओगे रिसेंटली इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं और एज इंडियंस यू शुड नो अबाउट दिस। यूजुअली देखिए, जब हम अपने नेबरिंग कंट्रीज की बात करते हैं तो फोकस सिर्फ पाकिस्तान और चाइना पे रहता है, बट आने वाले 5 से लेकर 6 सालों में अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा हमें बांग्लादेश पर भी बहुत ज्यादा फोकस करना होगा कि ये लोग क्या परचेज कर रहे हैं, बॉर्डर पे क्या चेंजेस आ रहे हैं। आने वाले 5-6 साल काफी टफ होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे बांग्लादेश सीक्स टू बूस्ट डिफेंस कैपेबिलिटीज। बांग्लादेश को सडनली एक ऐसा देश जो IMF के प्रोग्राम के अंडर चल रहा है, जिस कंट्री की आर्थिक हालत इतनी ज़रा स्ट्रॉन्ग है नहीं, सडनली ये कंट्री डिफेंस पर बहुत ज़रा पैसा खर्च रहा है और ये लोग आर्टिलरी एम्यूनेशन परचेज करेंगे फ्रॉम पाकिस्तान। इधर आप देख पाओगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, बांग्लादेश सीक्स न्यू सप्लाई ऑफ एम्यूनेशन फ्रॉम पाकिस्तान। और हिंदी में देखिए, हिंदी मीडिया में ये जो टाइटल है ये काफी पब्लिश किया गया कि इतने गोले बारूद का क्या करेगा बांग्लादेश। और बहुत ज्यादा एक जेन्युइन सवाल है एज इंडियंस कि सडनली बांग्लादेश, जिसकी आप अगर बॉर्डर देखो, दो कंट्रीज के साथ बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है, एक तो भारत और दूसरा म्यांमार। नाउ क्या म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है? पॉसिबिलिटी है। याद रखिएगा, बांग्लादेश पे जो आज के समय गवर्नमेंट है, चाहे कोई ऑफिशियली बोले ना बोले, काफी हद तक USA का सपोर्ट है उसको। ठीक है, US चाहे चुप रहे, बांग्लादेश चुप रहे, बट एक अंडरस्टैंडिंग है जियोपॉलिटिकली कि USA खुल के सपोर्ट करता है बांग्लादेश की करंट गवर्नमेंट को। मोहम्मद यूनुस के अंडर जो सरकार है उसे USA की कंप्लीट बैकिंग है। और याद रखिएगा, म्यांमार आज के समय बहुत ज्यादा डीप रिलेशंस बना चुका है विद चाइना, डिफेंस रिलेशंस, इकोनॉमिक रिलेशंस, क्योंकि म्यांमार में डेमोक्रेसी खत्म की जा चुकी है। जो यहाँ पर लीडर थी आंग सान सू की, ये जेल में है, और जो यहाँ पर मिलिट्री रूलर है, जो मिलिट्री जुंदा जिसको कहते हैं, ये बहुत ज्यादा करीब है चाइना के। और US, जापान और बाकी जो G7 कंट्रीज हैं, यूरोपियन देश हैं, सबने बहुत ज्यादा भारी सैंक्शंस इम्पोज कर रखे हैं म्यांमार पे। और याद रखिएगा, जब शेख हसीना की भी सरकार थी, तब उस वक्त जो रैपिड एक्शन बटालियन था बांग्लादेश का, उनके चीफ ने ओपनली ये कहा था कि म्यांमार की जो हरकतें हैं, जिस तरीके से काफी बार म्यांमार से अटैक होते हैं बांग्लादेश बॉर्डर पे, लग रहा है कि म्यांमार एक जंग चाहता है बांग्लादेश के साथ। तो मैं कभी भी रूल आउट नहीं करूंगा कि जो भी वेपन्स, जो भी एम्युनिशन बांग्लादेश परचेज कर रहा है, इवेंचुअली हो सकता है आगे जाकर ये म्यांमार के अगेंस्ट भी यूज हो। और एक बार को यहाँ पे आप सवाल ये पूछ सकते हैं कि हमें चिंता नहीं होना चाहिए एज इंडियंस कि ये जो भी डिफेंस आर्टिलरी एम्युनिशन है जो बांग्लादेश परचेज कर रहा है, कल को इंडिया के अगेंस्ट यूज नहीं हो सकता? देखो, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द एक डिफेंस डील साइन होगी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें यहाँ पे आप देख पाओगे 40,000 राउंड ऑफ एम्युनिशन, ये गोलियां हो गई जो वेरियस राइफल्स गन में आप यूज करते हैं, टैंक एम्युनिशन 2,000 क्वांटिटी का, 40 टन RDX इन वैक्स कंसिस्टेंसी। ये अजीब है, वैक्स कंसिस्टेंसी में यूजुअली एक बड़ा देश परचेज करता नहीं है, बट कुछ शायद ये प्लान कर रहे होंगे। और फिर 2,900 हाई इंटेंसिटी प्रोजेक्ट आए, ये सब बांग्लादेश परचेज करने वाला है। इसको आप अगर कंपेयर करोगे पिछले साल से, तो बांग्लादेश ने सिर्फ 12,000 राउंड परचेज किया था एम्युनिशन का, जो काफी हद तक नॉर्मल है। बट अब जो नंबर सामने आ रहे हैं, इससे एक बार को लग रहा है कि बांग्लादेश धीरे धीरे कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। नाउ ये जो नंबर है, बाय द वे, इंडिया के पर्सपेक्टिव से कहीं से भी थ्रेटनिंग नहीं है। इंडिया को चिंता में डालने के लिए बांग्लादेश को कई गुना बड़े स्केल पर हथियार परचेज करने होंगे, सबसे कुछ इंडिया को मिलिटरीली कुछ इम्पैक्ट होने नहीं वाला। बाकी बांग्लादेश की तरफ से बाकी जो रिपोर्ट्स आ रही है वो मैं कहूंगा चिंताजनक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंडिया बांग्लादेश की जो बॉर्डर है 4,000 किलोमीटर से भी ज़रा बड़ी है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने 2024 तक भी इस बॉर्डर की प्रॉपर फेंसिंग नहीं करी। कई हमारे एग्रीमेंट हो रखे हैं 2012 में, जिसमें लिखा है कि इंडिया प्रॉपरली, इवन कैटल की गलती से अगर क्रॉसिंग ना हो जाए, इंडिया का कैटल बांग्लादेश में, बांग्लादेश का जो कैटल है इंडिया में ना आ जाए,
इसको रोकने के लिए भी इंडिया ने फेंसिंग का एक एग्रीमेंट किया था, बट ऑब्वियसली ग्राउंड पर कई सालों से कोई काम नहीं हुआ। अब जाके 2024 में जब इंडिया कई जगह फेंसिंग कंप्लीट कर रहा है बांग्लादेश बॉर्डर पे, तो बांग्लादेश के गार्ड आ जाते हैं और कहते हैं नहीं, यहाँ पे आप फेंसिंग नहीं कर सकते। तो बीच में ये भी प्रॉब्लम आ रही है। और ऑब्वियसली सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि प्रो पाकिस्तान जो पॉलिटिकल पार्टी है बांग्लादेश में, जमात इस्लामी, इस पर जो बैन लगा हुआ था, सडनली ये बैन भी रिमूव कर दिया जा चुका है। तो एक के बाद एक जो डेवलपमेंट है ना, बिल्कुल कुछ कंसर्न रेज करती है इंडिया के लिए। बट मिलिटरली अभी भी मैं कहूंगा बांग्लादेश की मिलिट्री, इनकी आर्मी कहीं से भी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि इंडिया को कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत पड़े कि यहां से क्या हो जाएगा कल को, पाकिस्तान चाइना बांग्लादेश कोई थ्री फ्रंट अटैक ना हो जाए यहां पर, उसके अभी चांसेस बहुत बहुत ज्यादा कम है। मेनली मुझको लग रहा है कि फ्यूचर में एक बांग्लादेश म्यांमार के बीच में स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट, अभी नहीं 2-3 सालों में, क्योंकि धीरे धीरे ही अपना मिलिट्री बजट बढ़ाते रहेंगे, ये होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। और आने वाले कुछ सालों में हमको ये भी देखना होगा कि जो नई गवर्नमेंट बन गई है बांग्लादेश में, क्या ये पाकिस्तान से ही वेपन्स परचेज करते रहेंगे, या फिर शेख हसीना के अंडर इंडिया और बांग्लादेश की जो डिफेंस कोऑपरेशन है धीरे धीरे इंप्रूव हो रही थी, पॉसिबिलिटी लग रही थी कि बांग्लादेश में जो नीड है मिलिट्री हार्डवेयर की वो इंडिया पूरी कर सकता है, क्या अब ये गायब हो जाएगी? इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट का बायर क्या जा चुका है, ये भी देखना होगा। याद रखिएगा 2023 का ये जो आर्टिकल है, इंडिया आइज बांग्लादेश एज ए मार्केट फॉर रेंज ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर, बांग्लादेश को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल्स और फाइटर जेट्स, बहुत कुछ परचेज करना था। इंडिया ने $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर डिफेंस भी प्लान किया था बांग्लादेश के लिए कि इतने का ये जो डिफेंस इक्विपमेंट है इंडिया से परचेज कर सकते हैं और पेमेंट आराम आराम से किस्तों में देते रहेंगे। तो लगता नहीं है कि ये भी अब कुछ ज्यादा रिजल्ट दे पाएगा। और याद रखिएगा सबसे बड़ी बात है सबके बीच में, बांग्लादेश को ना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए, पावर सप्लाई के लिए ही इंडियन कंपनीज को, प्राइवेट और सरकारी कंपनियों को $1.8 बिलियन की पेमेंट अभी करनी है। तो आने वाले समय में देखिए बांग्लादेश इंडिया के लिए एक काफी बड़ा हेडेक बन के रहेगा, काफी कुछ यहाँ पे होगा। कुछ मेजर डेवलपमेंट सामने आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस इन द फ्यूचर लाता रहूंगा। আচ্ছা, তার মানে বাংলাদেশ যে হঠাৎ করে পাকিস্তানের কাছ থেকে অস্ত্র কিনতেছে, এটার পিছনে মূল কারণ হলো সামনে হয়তো মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের কোন একটা কনফ্লিক্ট হতে পারে এই কারণে। তবে এই প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায় যে বাংলাদেশ কেন এখন কিনতেছে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা একটু ভালো হয়নি তারপরে কেন, কিন্তু যেহেতু অর্থনৈতিক অবস্থা এখন একটু খারাপ চলতেছে বাংলাদেশের, এই মুহূর্তে কেনার কেন প্রয়োজন? তো ভারতীয় অনেক মানুষদের মনে এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে বাংলাদেশ কি আসলে ধীরে ধীরে পূর্ব পাকিস্তান হয়ে যেতেছে? কারণ পাকিস্তানের স্বভাব কিন্তু কিছুটা এরকম যে অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হওয়ার পরও পাকিস্তান অর্থনৈতিক অবস্থার কথা চিন্তা না করে শুধু ডিফেন্সের বাজেট বাড়াই যায়, শুধুমাত্র পুরো বিশ্বের কাছে এটা দেখানোর জন্য যে দেখো আমরা কতটা শক্তিশালী। অথচ তারা এটা দেখে না যে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা কতটা খারাপ, তাদের দেশে সাধারণ জনগণ কতটা খারাপ অবস্থায় আছে, এখন বাংলাদেশও কি ওই পথেই হাঁটতেছে, এইটা কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়। তবে এটা আপনারা কমেন্ট বক্সে জানাবেন যে বাংলাদেশ কি আসলেই পাকিস্তানের পথে হাঁটতেছে এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশ আর মায়ানমারের মধ্যে সত্যিই কি একটা যুদ্ধ হতে যেতেছে। আপনার মতামত অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে যাবেন। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক দিতে ভুলবেন না। আর আপনারা যদি এরকম ভিডিও আরো দেখতে চান তাহলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আজ আসি, আল্লাহ হাফেজ।